गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर भवानी नंदन गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन सीधि सदा सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मोद मंगल दाता विद्या बारिधि बुद्धि विधा गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन मागत तुलसीदास कर जो ने बसहू मानस मोरे राम सिया मानस मोरे बसहू राम सिया मानस मोरे बसहू राम सिया मानस मोरे गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन आगच्छ वायुसोनो त्वं मया रामायणी कथा मया श्रीमानसी कथा प्रारभ्यते भवश्रोता गृहाणासनमुत्तमम् कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्ममोक्षाः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचिसां जीवनं सज्जनानां बीजं
धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम् भूतये राम नाम नीलाम्बुजश्यामलकमलाङ्गम् सीता समारोपितवाम भागम् पाणौ महासायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ जयति कवि कुमुद चंद्रो हुलसी हर्षवर्धनस्तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत् कविता कौमुदीं पिबती श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। प्रेम से जय, जो बोले जय उसकी रहे अभय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री रामचरितमानस भगवान की। जय जय श्री सीता राम। नहीं अभी राम कहने में आपको उतना, अभी मुझे नहीं, आपकी आपकी आपके मुख से राम सुनकर मुझे नहीं इतना आनंद आया। जरा प्रेम से आप राम को सामान्य मत मानिए, आप बिल्कुल सामान्य मत मानिए। इसी तुलसी, जब तुलसी पंचसती मनाई जा रही थी और हमारे मित्र याज्ञिक जी ने सबने आयोजन किया था, उस समय मैंने एक बात कही थी कि राम क्या है। राम माने राष्ट्र और म माने मंगल। राम इस राष्ट्र के मंगल हैं। इससे जो इसलिए जो राष्ट्र का मंगल चाहते उन्हें राम कहना पड़ेगा। जय जय श्री सीता राम। और यही कीर्तन कोई अपने मन से बनाया हुआ कीर्तन नहीं, जो कीर्तन हनुमान जी करते हैं, जो कीर्तन भगवान शंकर करते हैं, जो कीर्तन भुशुंडी जी करते हैं, जो कीर्तन याज्ञवर्क करते हैं, जो कीर्तन तुलसीदास जी करते हैं। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय।
सीताराम। देखिए मास्टर साहब इतना सीताराम जय परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की भुवन पावनी कृपा कि आज इस महाराष्ट्र में मुंबई में और लोखंडवाला इस कॉम्प्लेक्स में हम नौवें अनुष्ठान के आचार्य के रूप में ईश्वर ने मुझे वरण किया है। पहले मैं कृतज्ञता, ईश्वर की कृतज्ञता, परमेश्वर श्री सीताराम जी की कृतज्ञता बोध करके पहले मैं उन्हें प्रणाम करता हूं कि आज मैं, जैसा कि मेरे मित्र जाज्ञिक ने जो कहा, आज मैं इस नौवें अनुष्ठान का मैं आचार्य हूं, नवम कथा का मैं आचार्य हूं और गोस्वामी जी को नव संख्या बहुत प्रिय भी है। प्रायशः मेरा एक स्वभाव रहा है कि मैं किसी न किसी चौपाई को शीर्षक मानकर नौ दिनों का वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। आज मैं चिंतित भी था कि मैं कौन सा शीर्षक, इस वक्तव्य की शीर्षक चौपाई कौन प्रस्तुत करूं, ईश्वर ने मुझे स्वयं शीर्षक दे दिया और वही शीर्षक वही होगा, उसी को केंद्र मानकर संपूर्ण कथा चलती रहेगी। मानस के कोई भी प्रसंग छूटे नहीं, आप चिंता न करें। जैसा कि जागीक जी जानते हैं और सभी मेरे मित्रगण जानते हैं, मुंबई कोई मेरा परिचित नहीं है। मुझे एक हर्ष है,